So amazing, man. This is so amazing. Aditya, you keep the Cat King flag high wherever you're going, yaar. And तूने मेहनत करी है and getting a 99.98 overall in CAT is not easy. It's all hard work, you know. And Yes, and you've sir. done it, yaar. Super proud of you. लॉट ऑफ यू गाइस आस्क मी सर क्वांट के अंदर मेरे को 99.95 लेके आना है 100% लेके आना है सर आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई एम फ्रॉम एनआईटी आईआईटी बैकग्राउंड बट आई वांट टू रियली किल इट दिस वीडियो इज प्राइमरली फॉर इंजीनियर्स ईदर फ्रॉम एनआईटी एनआईटी और अ नॉर्मल बिजनेस स्कूल और नॉर्मल इंजीनियरिंग स्कूल बट यू आर एमिंग फॉर 99.95 वी गॉट आवर स्टूडेंट विद अस हे एडी वेलकम ऑन बोर्ड हाय सर आदित्य 99.98 ओवरऑल क्वांट 99.95 इसके अंदर हम बताएंगे इसकी जर्नी क्वांट को एकदम एक्सेल कैसे करना है टॉपर कैसे बनना है और भाई सारी कॉलेजेस की सारी है बैंगलोर लखनऊ अहमदाबाद हाँ सर सारी बड़े लोग और तू फाइनल ईयर कॉलेज में अभी हाँ सर फाइनल ईयर बहुत बढ़िया यार यू आर अ मोटिवेशन फॉर मेनी पीपल लेट्स गेट टू द वीडियो बता भाई कैसे तेरी क्वांट की जर्नी और क्या करना है और इस लेवल तक कैसे पहुंचना है सो स्टार्ट मैंने तो ऐसे किया था कि मैंने एक टेस्ट दिया था फिर मेरे को उसे समझ आया कि मेरा स्ट्रांग है बट मेरे को थोड़ा सा अपनी स्पीड पे वर्क करना है इंजीनियर्स काफी इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं बट उनको अपना बस थोड़ा सा स्पीड पे फोकस करना होगा उनको प्रैक्टिस करनी होगी तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने सॉल्व कर लिए थे 27 इयर्स अराउंड 27 इयर्स हां सर अराउंड 27 ओह मैसिव गुड देन कैट किंग के डैशबोर्ड को आप काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और एम यही हमेशा एम ये रखना मेरा जैसे एम था 100% स्कोर करना बीइंग एन इंजीनियर क्वांट थोड़ा सा इजी था मेरे लिए तो हर टॉपिक को मैंने इक्वली फोकस किया था उस पे और हर टॉपिक की इक्वली प्रैक्टिस करी थी सुपर जैसे क्वांट में अरिथमेटिक होता है अलजेब्रा होता है व्हाट इज योर स्ट्रेटजी अरिथमेटिक इज रिलेटिवली इजी देन अलजेब्रा तो अरिथमेटिक की अलजेब्रा पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हो ताकि उसमें स्कोर कर सको एंड हाउ अबाउट ज्योमेट्री इंजीनियर्स हेट ज्योमेट्री एज वेल हाँ ज्योमेट्री में मेरे को काफी दिक्कत हुई थी बट वही है प्रैक्टिस और मैंने वीडियोस देखी थी सुधांशु सर की अच्छा तो उनने थोड़ा सा रियल हेल्प किया थोड़ा क्या बात है क्या बात तो जिनको नहीं पता भाई डैशबोर्ड पे सब सुधांशु सर की वीडियोस वगैरह पड़े हुए तो पढ़ने वाले बनो डैशबोर्ड ओशन है ना इन लोगों ने पढ़ लिया तो मतलब फाड़ देंगे नहीं हाँ हाँ डैशबोर्ड काफी ज्यादा हेल्पफुल है और डैशबोर्ड इनफ है गाइस 80% 100% टाइम स्कोर करने के लिए आपके लिए इनफ है क्या बात है ये बाकी लोग कभी सुन रहे होंगे 100% है भाई का ओवरऑल 99.98 सुन लो इसकी बातें भाई ठीक है ग्रेट एंड यू गिव हाउ मच टाइम फॉर टेकिंग दिस अप बिकॉज़ इंजीनियर अपन लास्ट मिनट वाले होते हैं है ना लास्ट मिनट कल सुबह पेपर है तो आज नोट पकड़ेंगे हां तो मैंने स्टार्टिंग मैसेज कर लिया था कि मैं स्ट्रांग है तो मैंने इसको लास्ट के लिए छोड़ दिया था बस मैं फॉर्मुलेस रिवाइज करता था मैंने मॉक्स देता था एनालाइज करता था मिस्टेक्स अपनी कॉपी में लिखी है और उसके नीचे जो फॉर्मूला उसमें यूज हो सकता था शॉर्टकट या फिर शॉर्ट ट्रिक्स जो टाइम सेव कर सकती है आपका एग्जाम में तो मैं उनको रेगुलरली रिवाइज करता था और जस्ट कैट के एक महीने पहले हम लोग सब मॉक्स काफी ज्यादा देने लग जाते हैं तो उस टाइम पे उन सारे फॉर्मूलास को यूज करता था पेपर दैट्स सो लवली यार दैट्स सो लवली एंड व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग ये स्कोर मॉक्स में दिखना शुरू हो गया था हाँ मैं मॉक्स में दिखने लग गया था लास्ट में तो काफी अच्छे से easily आप 40 45 plus score कर सकते हो were you in always top 10 in the real cat mocks तो dashboard का नाम था yes sir yes sir yes sir मैं इनको बोलता हूँ dashboard का topper रहेगा ना वो वहाँ पे भी रहेगा वो leaderboard आता है वहाँ पे and scores भी आते हैं superb यार superb that's lovely and उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो लोग quant ही पढ़ते रहते हैं जरूरी तो है पर verbal हाथ से छूट जाता है इनके और तेरा भी दिल करता होगा कि यार मैं quant ही करता रहूं बिकॉज तुम साला इंजीनियर लोग जर्नी कैसे होती है तो जब तूने स्टार्ट किया तो उस समय नंबर आ रहे थे मॉक पहले मॉक में दिया तो यू वर कंफर्टेबल कि ठीक है हां रिलेटिवली अभी लास्ट में जितने स्कोर कर रहा था उससे तो कम थे बट इट वाज डीसेंट इट वाज अराउंड 40 40 या अराउंड 40 स्कोर तो कर रहा था पहले दूसरे मॉक के अंदर ही वेरी गुड वो 40 से 50 की जर्नी तेरी 50 स्कोर है ना फाइनली कौन है ये जर्नी हाउ इज इट एंड यही वाली जर्नी मुश्किल रहती है 30-40 तक तो हो जाता है तो इसमें वही हमें शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स हमें अपना टाइम सेव करना आना चाहिए हमें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम करना सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना तो इसके लिए प्रैक्टिस और एक कॉपी होनी जरूरी है काफी सिली मिस्टेक्स की और फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूलास जो आपको याद होनी चाहिए वो आप
डायरेक्टली अप्लाई करके टाइम काफी ज्यादा सेव कर सकते हैं। सुपर ग्रेट। एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम जब तुम एग्जाम दे रहे हो उस दिन कैसा था? जो 40 मिनट जब बैठा हुआ था, वाज इट लाइक द क्लॉक टिकिंग, वर यू स्ट्रेस्ड कि लग रहा था कि भाई क्वांट तो हो जाएगा, और हाउ वाज इट? नहीं सर, 40 मिनट का अपने के लिए पता ही नहीं चला था। मैं तो ऐसे बस सॉल्व करने बैठा और पता लगा बस टाइम खत्म हो गया। जस्ट बेयरली मेरे फिनिश किए थे मैंने सारे क्वेश्चंस। उस दिन प्रेशर एक तो ज्यादा रहता है, टाइम आपको ज्यादा लगेगा, मिस्टेक ज्यादा होगी, आप अपनी कैलकुलेशन वापस से चेक करोगे ताकि क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो जाए, सिर्फ एक इतनी सी छोटी सी वजह से माइनस वन हो जाएंगे। तो प्रेशर तो रहता है, बट वही आपको प्रेशर के अंडर ही अच्छा करना है, यही होता है। सुपर सुपर। और अगर मॉक्स वर्क्स दिए हुए तो इट्स ऑल अबाउट यू नो इट्स अनदर मॉक देन यू टेक इट। हां मॉक्स काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपको प्रेशर से कैसे डील करना है, वो सिखा देते हैं आपको मॉक्स। सुपर सुपर। एंड व्हेन यू आर गिवन द एक्चुअल कैट एंड इफ यू कंपेयर विद द सिलेबस और योर एलओडी बाइबल टू और द डैशबोर्ड मटेरियल और द मॉक्स, वर द सिमिलैरिटी इन दैट इन द एक्चुअल पेपर इन द मॉक्स ऑफ कैट किंग? हाँ हाँ काफी ज्यादा सिमिलर थे। जैसे एलओडी टू लेवल के मैं सॉल्व करता था तो मेरे को ऐसे लग रहा था मैं वही सॉल्व कर रहा हूँ वापस कैट में भी। क्या बात है, ये सुनते नहीं मेरी बात, इनको इनको बोल यार डैशबोर्ड पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तुम्हारे भी नंबर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पूरा सॉल्व कर लो इजीली 100% टाइम में। So amazing man, this is so amazing. Aditya, you keep the Cat King flag high wherever you're going yaar. And tune mehnat kari hai and getting a 99.98 overall in Cat is not easy. It's all hard work, you know. And and you've done it yaar. Super proud of you and all the best for Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow calls. Kahan jayega agar ABC teen ho gaye to? Sir Ahmedabad hi. Ahmedabad hi ja rahe hai, kya baat. Super super. All the best for the interviews and I'll see you in the GDP class as well, theek hai? Thank you sir. Take care. God bless you. Bye bye. Take care. Boys and girls who are listening to us, ड्रॉप इन, तुम्हारे कहाँ पे दिक्कत आ रही तुम्हें मैथ्स के अंदर, कहाँ तुम पढ़ रहे हो, मैं खुद तुम्हारे कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। और जो लोग 100% एम कर रहे हो, इंजीनियर्स फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल और टॉप इंजीनियरिंग स्कूल्स, यू टू वर्क हार्ड या बिकॉज वर्बल थोड़ा डाउन डाउन हो सकता है, इसने अपना वर्बल भी संभाल लिया। तेरा वर्बल कितना था? 99.63, उसके बारे में अलग वीडियो करूंगा मैं, बट इसने वर्बल भी संभाल लिया। क्वांट पढ़ो, इसको टेक इट टू द मून, पर वर्बल को भी साथ लेके चलो, वो अलग वीडियो करेंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, डू इट इन लाइक बटन, आई एम गोना बी देयर विद यू टिल द एंड। थैंक्स आदित्य, थैंक यू सो मच। Thank you so much.